ये देखो ये आया, ये उठा रहा है, ये देखो ये उठा रहा है, अब ये निकल रहा है बुड्ढा साला। अच्छा बाइक पे कुत्ते का बच्चा। अबे लेडीज भी हैं साथ में। दो दो लेडीज के साथ गया आराम से सुकून से। ये देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, चाचा जा रहा है। दरखास्त किसके नाम जाएगी? एसएचओ साहब से। कॉल उठा रहा है? मिला रहे हैं साहब भाई को। अबे यार जल्दी कॉल मिला यार। यार हम लोग के साथ बड़ा बैड सीन हो गया सर। हम सीन बताओ, सीन क्या हुआ यार? भाई अभी मैं आया था, मैंने गेट खोला है, तुमने बोला कि गेट नहीं बंद करो, मैं बाइक अंदर करूंगा। सही है। उसके बाद तुमने थोड़ी देर के बाद वापसी तुम आए, तुमने बोला भाई मोबाइल गायब है। मोबाइल कहाँ गया मैंने तुमसे पूछा तो तुमने तुम्हारी जेब फटी हुई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सामा कहाँ रह गया यार, कहाँ रह गया, जल्दी आ। अरे मैं रास्ते में ही हूं, भगाते हुए आ रहा हूं इशाद भाई। जल्दी आ जा यार, वो भाग जाएंगे चोर। जल्दी से आ जाओ। मैं जा रहा था तरावी पढ़ने, मैं दूर जाता हूँ तरावी पढ़ने गुलशन में। अभी मतलब मेरा व्लॉग बनाने का भी मूड नहीं हो रहा। मुन्ना ने कहा यार व्लॉग बना लेते हैं। मेरा मोबाइल था जेब में था, मेरी जेब ना मुझे पता नहीं था फटी हुई है। ये देखो फटी हुई पूरी ना। यहाँ से मेरा मोबाइल निकल के नीचे गिर गया। नीचे गिरा, मुझे ऐसा ख्याल आया कि मोबाइल मेरी जेब में नहीं है। मैं घर वापस आया, आप लोग सीसीटीवी में सारा देख सकते हो क्या सीन हुआ। अच्छा उसेरम भी उस वक्त निकल रहा था। उसेरम को मैंने बोला यार गेट बंद नहीं करना, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। उसेरम अंदर चला गया, मैं बाइक लेकर थोड़ा सा आगे गया, मैंने बाइक खड़ी की। वापस जब आया घर में मोबाइल देखने, इत्तेफाक से मेरा मोबाइल जो है ना रोड पे गिर गया था। रोड पे गिरा, वहां पर एक बुड्ढा अपनी दो पत्नी बेटी थी, बीवियां थी, कौन थी उनके साथ आया, रोका, उसने मोबाइल उठाया, आप लोग सीसीटीवी में सारा देख सकते हो, और लेके शार्ट हो गया। और ऐसा शार्ट हुआ और उसी वक्त उसने मोबाइल बंद किया। और मैंने कॉल किए कि भाई मोबाइल कहाँ गया, लेकिन वो बंद कर दिया उसने, सिम ही फेंक दी उठा। अबे यार क्या करें, अब करें क्या, कच्ची आबादी के साइड गया होगा वो। तुम लोगों को अगर लग रहा है ना स्क्रिप्टेड व्लॉग है, भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, रियल सीन है। मतलब मेरे फेस से तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि कितनी बुरी हालत है। तरावी पढ़ने जा रहा था, अब्बू के बयान की आवाज भी आ रही होगी, अब्बू का बयान चल रहा है। अभी नया मोबाइल लिया था कुछ दिनों पहले, स्नैचिंग हुई थी हमारे साथ फिर से यार। मैं ये बोल रहा हूं नंबर ट्रेस करता हूं, आईएमआई नंबर से निकलवाते हैं। सही है तो डब्बा निकालना पड़ेगा, निकालो डब्बे का बोलता हूं। मैं अम्मी से डब्बा लेकर आ रहा हूं। मैं डब्बा कहां है? डब्बा फोन का? हां फोन का डब्बा उधर है। फोन का डब्बा चाहिए जल्दी। हमजा पर्दे में जाओ जरा, डब्बा निकालना है यार, यहां से बाहर चले जाओ। लाए ये वाला डब्बा, देखो आईएमआई निकालो नंबर। यार ये आईएमआई नंबर है इसका, बिल्कुल नया डब्बा ये देखो, बिल्कुल नया। अभी मोबाइल लिया था मैंने और अभी भी चोरी हो गया यार, बैड लक हो गया। बताओ नंबर, बताओ। तो ये तुम क्या किस में डाल लो? ये लोकेशन फाइंड करेगा ना? कर देगा लोकेशन फाइंड। हां देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा आईएमआई नंबर लिखो 3567611696977। यार बहुत ज्यादा परेशान हूं यार मैं, बिल्कुल नया मोबाइल लिया था। डब्बा आप लोग देखो, नया डब्बा है, बिल्कुल नया डब्बा, और मोबाइल चोरी हो गया। क्या होता है यार हमारे मुल्क में, क्या निज़ाम है हमारे मुल्क का। मतलब जिसको जहाँ मौका लग रहा है ना वहाँ चोरी कर रहा है। मतलब चोर वही नहीं है जिसको मौका नहीं मिल रहा, बाकी जिसको मौका मिल रहा है वो भरपूर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहा है यार। दो साथ में लेडीज थी यार उसके, वही तो मतलब अकेला बंदा नहीं है वो, लेडीज साथ लेके घूम रहा है, और लेडीज ने उतर के मोबाइल उठाए, मतलब औरतें इसमें मुलविस थी, और वो आराम से सुकून से गया है। अच्छा उसकी ना बाइक पे गोल्ड लाइटें थी, और एक ब्लू कलर की लाइट जो है ना उसकी बाइक के पीछे जल रही थी। मतलब हमने निशानियां देखी है कि इस निशानी के साथ हम लोग उसको जाके कोशिश करेंगे ढूंढने, अल्लाह करे मिल जाए। और उसका साइलेंसर जो था ना वो सिल्वर कलर का था। सही है, नंबर प्लेट नहीं आ रही ना यार, नंबर प्लेट कैमरा जो है ना धुंधला हुआ था, नंबर प्लेट ज्यादा दिखी नहीं। अभी चलो ये डब्बा लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन पे, जाके इसकी कंप्लेन वगैरह कराते हैं यार। मुश्किल ही है मिलना, लेकिन कोशिश करते हैं, पुलिस वालों से जाके बात बात करते हैं, अल्लाह करे मिल जाए यार। यार मैं इस गेट से बाहर निकला था, यहाँ से बाहर निकला मैं इस गेट की तरफ गया, यहाँ से बाइक निकालने के लिए, यहाँ से सैरम बाहर निकल रहा था। तो मैंने सैरम को बोला यार अभी ना गेट बंद नहीं करो, मुझे बाइक निकालनी है। तो मैं इधर से बाइक निकाल के यहाँ से निकला, गाड़ी के पास जाके मुझे ख्याल आया कि मेरा मोबाइल जेब में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा घर पे होगा, तो मैं ना बाइक वापस लाकर यहाँ पर मैंने खड़ी की और घर में गया, और घर में जाके मैंने सोचा कि यार मोबाइल लेके मैं बाइक पे बैठ के दोबारा चला जाऊंगा। लेकिन यार सीन ये हुआ, सामा भाई भी आ गए। क्या हो गया? अबे सीन हो गया भाई, यहाँ तक मैं गया हूँ यहाँ तक। सही है, मुझे ऐसा ख्याल आया कि मोबाइल ना नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा यार घर में जाके मोबाइल वोबाइल लेता हूँ मैं। अभी तू नंगे पाँव क्यों आ गया? चप्पल पहन के आ जा, चप्पल पहन के रहा, मसला नहीं है। अंदर मैं गया हूँ, यहाँ पर जो है एक बुड्ढा दो अपनी बेटियों के साथ सीसीटीवी में पूरा आया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर रुका है, मोबाइल उसने उठाया और सुकून से यूं निकला है। हमारा एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक उस तरफ लगा हुआ है, दोनों कैमरों में आया। जब भी बोलूं आधे घंटे तक मैं अली मस्जिद में इंतजार कर रहा हूँ तरावियों के लिए, कॉल कर रहा हूँ, आपका नंबर बंद, वॉइस मैसेज छोड़ा मैंने आपको। उसामा भाई को मैंने कॉल करके अली मस्जिद पे बुलाया था कि तरावी पढ़ने जाएंगे, अब मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था, मैं कैसे कॉन्टेक्ट करता। फिर देखो ना वो किस तरफ गया, इधर निकला है, कच्ची बाजी की तरफ निकला है। पागलों की तरह खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ, मैंने बोला पता नहीं अल्लाह खैर करे। अबे तो मुझे थोड़ी पता था क्या मैसेज किया। अबे मोबाइल ही छिन गया, क्या करूं यार। आपके सामने मैंने डब्बा बैग मोबाइल लिया था ना इन्फिनिक्स नोट 30, मेरा और आपका सेम, हमारा चोरी हुआ था, हम दोनों भाई एक चीज सेम चीजें लेते हैं। इनका ऑरेंज कलर का था, मेरा सिल्वर कलर का था, दोनों मोबाइल यार नए लिए थे। डब्बा बैग, डब्बा भी मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल नया। ये देखो ये आया, ये उठा रहा है, ये देखो ये उठा रहा है, अब ये निकल रहा है बुड्ढा साला। अच्छा बाइक पे कुत्ते का बच्चा। अबे लेडीज भी हैं साथ में। दो दो लेडीज के साथ गया आराम से सुकून से, दूसरी तरफ से ये आ गया। हाँ ये देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, चाचा जा रहा है। हाँ। अब इसकी बाइक में ब्लू लाइट जल रही है, और आगे जो है ना इसकी गोल लाइट है। अब मैं कह रहा हूँ आबादी में चलते, चलो कच्ची आबादी में चलो।
चलो चलो बैठो बैठो सर, बाइक निकालो। अबे उसामा भाई क्या यार गलियां चल रही हैं यार, ज़कात निकाली थी आपने? अबे निकाली ज़कात निकाली सब कुछ यार। यार बाद में आ जाना यार, अभी एक तो फैंस आते हैं ना घर के बाहर आ गए, अभी मूड ही खराब हुआ है मेरा, बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा यार। भाभी की कितनी सारी तस्वीरें थी उसमें सब चले गई, गूगल फोटोज पे भी सेव नहीं कर रहा था ना डेटा। पता है मेरा मोबाइल क्यों चोरी हुआ? तुमने टोपी पहनी है, मैंने नहीं पहनी हुई टोपी। आपको इतनी सारी दिलाई तो है, आप लोगों को टोपी पहना रहे हो, खुद नहीं पहन। अबे मैं हेलमेट पहन के निकला था ना यार, मेरी टोपी पहन लो यार, आप रो नहीं। अबे यार अभी नहीं करो यार, अभी यहाँ से मोबाइल चोरी हुआ है हाथों हाथ। ये जेब है ना, जेब से निकल गया था। एक बुड्ढा दो लड़कियों के साथ जो है ना इधर से गुजरा, मोबाइल लेता हुआ निकल गया, सीसीटीवी में आया, पूरा सीन आया। पकड़ा नहीं, अभी जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। भाई तुम टोपी की बात करो ना, टोपी मैंने ये छुपा के रखी हुई थी। ये देखो मैं तरावी पढ़ने ही आ रहा था, तुम्हारे पास ही आ रहा था। दुआ करेगा अब जी मिल जाए यार। हमारा ये सेक्टर है, इसके पीछे ना एक कच्ची आबादी लगती है, तो इधर ना इसी तरफ घुसते हैं सारे के सारे अंदर ना, जितने भी डकैत होते हैं चोर होते हैं वो अंदर अंदर घुस जाते हैं जाके। क्या करें चले, बस ये पढ़ते हुए ढूंढना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं सूरज दुआ पढ़ने से भी मिल जाता है, अल्लाह करे मिल जाए यार। यार इतनी बड़ी आबादी कहाँ से मिलेगा यार? उस्ताद भाई देखो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, आप सच्चे दिल से जो है ना इंशाल्लाह हलाल का हम ढूंढ के निकालेंगे। अभी चलते हैं अंदर। देखो इधर ही कहीं चाचा वाचा बैठा होगा, वही वाला बुड्ढा। बाइक देखो, वाली बाइक जो है ना, और जो पीछे वाली लड़की थी ना वो पिंक कलर के वो पहनी हुई थी ड्रेस, उसको देखो। अरे पाकिस्तान में सारे के सारे चोर घूम रहे हैं, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ चोरी कर रहा है। हेडलाइट गोल थी, हेडलाइट गोल थी और ब्लू कलर की लाइट जली थी बाइक के अंदर। यार ये आबादी भी बहुत बड़ी है, यहाँ पर पता नहीं कहाँ मिलेगा यार वो। हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, चलो इनसे पूछ लेते हैं, एहतियातन कर लेते हैं यार, पूछ लेते हैं। यार अभी अभी ना मोबाइल चोरी किया एक बंदे ने हमारा ना, कि गोल लाइटें थी, गोल लाइटें होती ना पूरी, वो लाइटें थी और ब्लू कलर की लाइट जली थी बाइक के अंदर। कोई आपको ऐसा बंदा पता है, देखा है आपने? बुड्ढा था, दो औरतें भी साथ थी उसके। नहीं नहीं इधर कोई नहीं आया। कभी कोई आया ना इस तरह का बंदा जिसकी ब्लू लाइट हो पीछे की तरफ ना, जैसे ये पीछे इधर ब्लू कलर की लाइट जल रही है, तो बता देना हमें लाजमी। सही है, इधर ही रहता हूँ सामने में सेक्टर में। चलो चलो उसामा भाई नहीं पता चलेगा, तुम नस्वार तो नहीं लगाओ? नहीं लगा ही नस्वार। स्टेशन चले, पुलिस स्टेशन। डब्बा रखा तुमने? तो डब्बा क्यों नहीं रखा पागल, डब्बा तो रखते। सामने डब्बा पकड़ो यार, क्या करें, नया मोबाइल ले लें फिर जाके। पहले सरीना चलते हैं। हाँ सरीना बंद हो जाएगा वरना मोबाइल जरूरत है। सुनो सोनू भाई पुलिस में ना कॉल कर लो। सोनू भाई बेकार बंदे एक नंबर के। भाई आप छोड़ो सब बातें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे पहले सरीना चलो, कैश उठाओ घर से और मोबाइल लो, क्योंकि भाभी भी उधर परेशान हो रही है। अबे भाभी की खैर है यार, तुम अभी मोबाइल यार क्या करें, जूल का फटका लग गया है तो 40-50 हज़ार रुपए। खैर है मिश्कात भाई, दिल बड़ा करो, रमजान में समझ लो आपकी ज़कात निकल गई। ज़कात तो निकाल दी थी ना मैंने, आप दिला दो। दिल बड़ा है अजीब, आप दिला दो मोबाइल। दिला दूंगा अगर अभी लिया उसने बेचारे ने। अरे नहीं नहीं उसामा भाई को दिलाएंगे यार, उसामा भाई अपना मोबाइल देता हूँ यार इनसे बढ़कर। लाओ यार, चलो यार अच्छी बात है, रख लो अंदर, रख लो अभी, रख लो इसी में रख लेना। चलो मैं कैश लेकर आ रहा हूँ, सही है, फिर मोबाइल लेते हैं यार नया। कोई दुआ वुआ बताए ना, मोबाइल मिल जाए। अभी तो वैसे जा रहा हूँ दूसरा मोबाइल लेने ना, क्योंकि अब तो जरूरत है मोबाइल की, दूसरा मोबाइल लेने जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जरा कंप्लेन वगैरह जो कार्रवाई है वो करो। सही है सही है, चलो यार कैश वैश उठाते हैं घर से फटाफट। यार होने वाली चीज़ है ना, कभी भी हो जाती है। ये कुर्ता मैं कभी भी नहीं पहनता जिंदगी में, मैंने कभी कुर्ता पहना ही नहीं। आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कुर्ता निकाला, मैंने कहा यार काफी दिन से पहना नहीं, चलो ये पहन लेता हूँ। अब इसकी जेब भी फटी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था जेब, ये देखो पूरी फटी हुई है। ये देखो हाथ निकल गया, कैश वैश निकालते हैं यार, फजूल का खर्चा हो गया, यूट्यूब की सारी इनकम चोरी में जा रही है यार। ये कितने का मिल जाएगा मुन्ने? 50,000 रख लूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 पूरे हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 50,000 का मोबाइल लिया था, अभी दोबारा सा खर्चा हो गया। क्या यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, मतलब जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो चोरी कर रहा है यार। चलो चलते हैं यार, जो होना था नसीब में खैर हो गई। भाई अब सही वाली जेब में डाल लेता हूँ, क्योंकि ये वाली जेब तो फटी हुई है यार। मैंने गेट खोला, पता मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आया हूँ, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अंदर आया हूँ और मोबाइल गायब। ये भी नहीं कि यार बंदा पूछ ले कि किसका मोबाइल है, क्या है, या कॉल कर दे, या मतलब बस यार क्या बोलूँ, बस अजीब सा दिल हो गया मेरा बिल्कुल। व्लॉग करने का भी दिल नहीं चाह रहा मेरा, ईद से पहले ये मुसीबत हो गई यार। चलो चलते हैं मोबाइल लेने। चल यार उसामा पैसे रख लिया यार, जेब में रखे। अबे इधर दो यार, तुम्हारे पास से कोई चीज टिकती है क्या? अबे क्या यार नोट तो ज्यादा यार है। अबे क्या इधर दे हो, तू भी चोरी करेगा क्या? तुम भी तो कुर्ता पहने हुए हो, कुर्ते में ही रख लो। अबे भाई इसकी ट्रिक होती है, मैं पूरे 1 करोड़ रुपए रख के लेके आता था अपने अंडरवियर में, ये देखो। अबे यार नोट गंदे हो जाएंगे, कायदे आजम भी बोलेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। इनको यहाँ कॉमेडी सूझ रही है, अभी मुझे रोना आ रहा है, इनको कॉमेडी सूझ रही है। रखो मैं कॉमेडी अंदर अंदर नसों में कॉमेडी घुसी हुई है। अच्छा हो गई ना कॉमेडी, अब कहाँ जाना है? अब बैठो, सबसे पहले चलेंगे सरीना, आपको दिलाएंगे नया मोबाइल। यार गार्ड भाई अभी मोबाइल चोरी हुआ है, अभी अभी कहाँ में? इधर ही, इधर से यहाँ से लेकर गया। आप कहाँ पे थे? हमारा क्या काम, हम तो बिखर गया होगा, कौन बिखर गया, हमारा क्या पता। खड़े थे क्या, देखते नहीं हो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठा रहा है मोबाइल? अभी अभी चोरी हुआ है, गन चलती है तुम्हारी? अबे यार गार्ड भाई की हालत देखो, 1 महीने पहले हम लोग सरीना आए थे, यहाँ से हम लोगों ने 2 डब्बा पैक मोबाइल लिए थे, लेकिन यार अब दोबारा आना पड़ा। हमें नहीं पता था 1 महीने बाद दोबारा आना पड़ेगा नया मोबाइल लेने के लिए यार।
बस वही बात है, किस्मत की बात है यार, मोबाइल अभी भी चोरी हो गया। बताओ यार, हंस रहे हो यार मेरे ऊपर, हंस रहे हो? अबे नहीं नहीं मेरा भाई, आप अरे यार तुम गले मिलो यार मुझसे। अरे यार तसल्ली दो ना यार, अभी भाई गमगीन है यार। वही वाला ले लेंगे, इन्फिनिक्स लेना, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में बरकत है, ये बड़ा प्यारा लगता है। अबे ये तो टैंक का कलर लग रहा है। अबे ये लड़कियों को भी बहुत पसंद है। अबे लड़कियों के चक्कर से निकल जाओ, शादी हो चुकी है तुम्हारी, बेटी भी हो चुकी है, मतलब मेरी वाइफ को अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, तो वाइफ बोलो ना, लड़की को बोल रहे हो? ये जोर जोर से बोल के सबको क्यों बता रहे हो? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा ये नहीं बताना था कि शादी हुई और एक बेटी भी है तुम्हारी? अच्छा ये नहीं बताना था, सही है सही है, कट कर देना वरना अच्छा नहीं होगा कसम से। बस बस ये कट हो जाएगा कि तुम्हारी शादी हुई है और एक बेटी भी है। हाँ, ये कट हो जाएगा कि उसामा भाई की शादी हुई है और एक बेटी भी है। अच्छा फटाफट मोबाइल लेते हैं, उसके बाद जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके हम रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं। भाई बड़ा बैड सीन हो गया, चोरी हो गया यार मोबाइल, चोरी हो गया। जो दो हमने सेम एक साथ दिए थे ना, एक इन्होंने ऑरेंज लिया था, ये डब्बा भी आपकी दुकान से लिया था, यही दे दें आप। डब्बा देख रहे हो आप लोग कैसा चमचमाता हो रहा है यार। तुम लोग के लिए भी मैंने सीसीटीवी चला दी है, तुम लोग को भी ये बंदा कहीं भी देखे ना, ये दो बेटियां, एक पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट पहनी हुई थी, और बुड्ढा जो है ना काला सा बुड्ढा था, गंजा था और पतला सा सूखा सा बुड्ढा था। तो कहीं भी ये दिख जाए ना बस हमें कॉल करके बता देना, नीचे नंबर आ रहा है, कॉल करके बता देना मिशकात भाई ये बंदा दिख गया, पहुंचो सेल्फी लेनी आपको। अब यार दिल नहीं चाह रहा सेल्फी लेने का यार, चोरी हो गई। आप क्या मेरी वीडियो बना रहे हो, सारे लोग मेरी बेचारगी पे हंस रहे हो यार। मुन्ने तू क्या हंस रहा है, तू क्या हंस रहा है, तू क्या हंस रहा है भाई? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार कितने चिकने आ रहे हैं हम लोग फिल्टर में। ओए होए यार लड़कियों वाले फिल्टर लगाए हुए फुल, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। यार उसामा भाई तुम ऐड भी करने लग गए, माशाल्लाह ऐड में तुम्हारी पिक्चर लगी हुई है यार। ये क्या हो रहा है, ये नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से क्या हो रहा है? कॉमेडी सूझ रही है भाई का मोबाइल चोरी हुआ तो मैं कॉमेडी सूझती है। मैं खुद ले रहा हूँ यार, हरी आंखों वाली तो मिल नहीं रही, हरे डब्बे वाला मोबाइल भी चला गया यार। हर परेशानी के बाद आसानी है, पुरानी जाती है तो नहीं आती है। क्या आती है, मोबाइल आता है, मोबाइल आती है। माशाल्लाह भाई डब्बा पैक आ गया, पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है। ये मेरा पुराना मोबाइल का डब्बा है और ये नया मोबाइल का, हरे रंग का नहीं होता मोबाइल। असल में मुझे हरी आंखों वाली चाहिए ना, तो मोबाइल भी हरा चाहिए। भाई का लेवल बहुत हाई हुआ है, कोई हरी आंखों वाली लड़की है? ये भी वीडियो में डालूंगा। हाँ हाँ भाई, मैं तो हरी आंखों वाली चाहिए ना, निकाह करूंगा ना, अल्लाह माफ करे, गुना थोड़ी। बात तो सही है यार, सीसीटीवी वाला बंदा किसमें मिल रहा था? सीसीटीवी वाला बंदा थोड़ा थोड़ा तुमने मिल रहा था। अबे क्यों डरा रहे हो, उनकी दुकान है चलती फिरती, ये बस गंजा नहीं है आगे से, वरना पूरा इसी में मिल रहा था। माशाल्लाह भाई चाय आ गई है बड़ी बेहतरीन किस्म की। चलो यार जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, और चाय का कप भी हरे रंग का है, चलो कुछ तो हरा मिला यार, हरी आंखों वाली तो नहीं मिली यार। पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, सही है ऐसे पकड़ के रखना चाय, बस पकड़े रहो पकड़े रहो। चलो चलो शुक्र शीशा था, अच्छा अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो भाई फाइनली मोबाइल ले लिया, उसमें भाई पैसे निकालो अंडरवेयर के अंदर से। अबे कायदे आजम का दम घुट रहा है, जल्दी कायदे आजम को एसी में रखा है। क्या कर रहा है, जल्दी निकाल ले। 1000 वाले नोट रखे थे, लग रहा 5000 का नोट निकल आएगा है। मैजिक। अबे क्या हालत हो गई, गीले हो गए थे नोट, अंदर क्या किया तुमने? आई आई पकड़ा है भाई, बिल्कुल गीले कर दिए तुमने। अबे, 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 अबे नीचे भी गिर गया, नीचे भी गिर गया। अबे यार साहब भाई अंदर कौन रखता है यार? अबे भाई चोरी चकारी बहुत है, चोर वाली जगह पे जो है ना हाथ नहीं मारता, ये लोग गिनो वहां भी मार देगा। अबे तो ये ज्यादा है भाई, कितने में बात हुई है? 38 नहीं ना, फिर 42 अच्छो अच्छो 39 देंगे, 39 देंगे पूरा पूरा, बस 39 दो यार भाई, ये छप्पड़ मारो फटाफट भाई। पहले हमने 39 का लिया था, अभी ये देना है 41 का, इसलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट देखने। सही है भाई, बुरा मत मानना, लेकिन हम मार्केट देखने जा रहे हैं, और अगर 39 का मिल गया फिर आपको ना, फिर समझ रहे हो, दावत चावत का सीन होना है। आ जाओ यार देखते हैं यार मार्केट देखते हैं यार। पहले 39 का लेकर गए थे, अभी बोल रहे 41 का, यार ये तो गलत बात है। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और, देखने चलते हैं। ये सेट पड़ा हुआ डब्बा पैक, पहले रेट बता दो। 40 नहीं 39, एक बात थोड़ा सा कर लो, 39 500 ले लो। चलो बस ना इतना तो कर लो। अबे अबे इतने तो सही है यार, 39 500 निकालो यार। फहद भाई नाम नहीं है मेरा, मिशकात भाई है। फहद भाई यहाँ पेट निकलवा ली, पैसे कितने दिए? 4500 वापसी करेगा। पीछे वाले के पास जाना है, उसके वार्ड लगाने हैं। हाँ वो अपना बंदा हो के बाहर मारेगा, तो डब्बा ना उसके मुंह पे खींच के मारेंगे। कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज यार, मुझे हरा चाहिए था यार, हरा काम में खरा, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ काम में खरा, इसलिए हरा। तोता लगा दूँ उसकी जगह? अबे नहीं यार, असल में ना मुझे हरी आंखों वाली बीवी चाहिए ना, तो इसलिए मोबाइल भी हरा चाहिए मुझे। लगा लो ना। अरे नहीं ना, फेक पसंद नहीं है, रियल वाली, जैसे इन भाई का कलर है ना हरा, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ देख लो, स्टैंप लगा दूँ? हाँ लगाओ लगाओ, लेकर आओ।
माशाल्लाह भाई नए मोबाइल की अनबॉक्सिंग हो रही है। कौन सा कलर है? ऑरेंज। सेम सेम निकालो, अपना निकालो फुल भाई, सेम सेम मोबाइल, क्या बात है। बस ये घर ही आंखों वाली मिल गया, वो भी सेम सेम मुझे मिल गया। एक्सेसरीज, चार्जर वगैरह पूरा है, हैंड फ्री भी है, एक बेड और दो फर्नीचर भी है भाई। है भाई नाम क्या लिखा है? उसामा मिश्कात फारूकी। ये नाम क्या लिख दिया? उसामा मिश्कात फारूकी, इसका मतलब उसामा मेरा बेटा है, मिश्कात बाप है, उसामा मिश्कात फारूकी। यार ये भाई माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि मोबाइल में प्रोटेक्टर लगा के दे रहे हैं माशाल्लाह फ्री में, क्या बात है। फ्री में तो नहीं लगाते, वो 300 का लगता है। अरे अरे खैर हो गए, आप बहुत अच्छे हैं यार, आप बहुत प्यारे इंसान है, आप कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, आप माशाल्लाह मावे भी खाते है ना, प्रोटेक्टर लगा रहे ना फिर। नहीं भाई 300 रुपए लूंगा। अबे यार माशाल्लाह भाई बिल्कुल न्यू मोबाइल आ गया, कवर वर चढ़ा दिया, प्रोटेक्टर भी चढ़ा दिया, जबरदस्त किस्म का। शुक्रिया भाई, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आपने बहुत मुनासिब रेट में दिया, सही है भाई। इंशाल्लाह अगली बार आएंगे और अल्लाह ताला आपकी चार शादियां कराए। इंशाल्लाह 6 करवाए, 6 तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना भाई, समझ रहे हो। इसका देखो मोबाइल दिखाए कैसा है, मोबाइल बहुत अच्छा है देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे वो कहां जा रहा है? अबे रोको उसको, अबे रोको, ओए कहां जा रहा है मोबाइल लेके? मैं पकड़ा हूं, अबे मैं पकड़ा हुआ था यार, भाग। मुझे क्यों पकड़ रहा था बे? तू इसके साथ है? बहुत तेज हो रहे हो हैं यार, आज आज धोखा किया तुमने हमारे साथ, 39 का बिला है मैं, जो भी है यार, दिल टूट गया यार। चलो यार सामो भाई आ जाओ यार, चलो खैर है यार, ओके भाई। फाइनली भाई मोबाइल ले लिया, अब हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन पे और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट करवाते हैं और देखते हैं यार, अल्लाह करे मोबाइल मिल जाए यार हमें। सामा भाई अल्लाह का नाम लेके पुलिस स्टेशन में चलते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला जो है ना मतलब नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, तो हो सकता है हमारा मोबाइल पुलिस वालों की बरकत से हमें मिल जाए। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन पे, एप्लीकेशन लिखनी है। तो भाई सीन ये है कि उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन वगैरह लिखो और एप्लीकेशन लिख के आप फॉरवर्ड करो, तो उसके बाद ही पूरा प्रोसेस होता है पुलिस वालों का, और उसके बाद इंशाल्लाह मोबाइल हमारा मिल जाएगा। अभी एक पेपर चाहिए हमें, उसमें एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसके बाद जो है ना फिर हमें जमा करानी। दरख्वास्त किसके नाम जाएगी? SHO साहब। सही है, दरख्वास्त लिख लिया भाई फाइनली। तो आप दोनों लिखनी पड़ी यार, फोटो कापी भी नहीं की, हाथ लिख लिख के थक गया यार। आ जाओ, CCTV में आया कि वो जो ना बाइक रोकी उसने, दो उसके लड़कियां थी उठाई और वो लेके निकल गया, फिर मैंने उसी वक्त कॉल की तो वो नंबर बंद था, फौरन ही नंबर बंद हो गया, इन्फिनिक्स Note 30। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एप्लीकेशन जमा करा ली, पुलिस वाले भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और वो बोलना है इंशाल्लाह इजीली रिकवर हो जाएगा, उम्मीद तो दी है, आप देखते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करे मिल जाए, मैं तो बहुत दुआएं कर रहा हूँ। सामा भाई क्या बोलते हो, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ लें? माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अच्छा काम हुआ है। बाकी ये जो नए लड़के भर्ती हो रहे हैं ना, इनको देख के दिल खुश होता है, ये पढ़े लिखे हैं यार, मतलब जितनी नई जनरेशन आ रही है इनको जो है ना आपको सपोर्ट करना चाहिए। सही, अब बातें नहीं करो, वजू करो फटाफट, नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारी नमाज रह गई। मैं जा रहा था नमाज के लिए और उसी दरमियान ये वाकया हो गया यार। माशाल्लाह भाई ये पुलिस स्टेशन के अंदर इतनी प्यारी सी मस्जिद बनाई हुई है और ये सारे के सारे ना एतकाफ में बैठे हैं भाई लोग। आप वीडियो देखते हो ना मेरी? माशाल्लाह आप, हाँ थोड़ी थोड़ी देखते हो, मतलब एक सेकंड की देखते हो उसके बाद बंद कर देते हो? थोड़ी सी वीडियो आपकी क्यों देखता? क्यों? क्योंकि ऐड आ जाते हैं ना एक सेकंड बाद गंदे गंदे। हाँ गंदे तो नहीं आते, बात तो सही है यार। यहाँ पर भी मस्जिद हरी हरी बनाई हुई है यार, हर जगह सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, लेकिन हरी आंखों वाली क्यों नहीं मिल रही यार उसामा भाई? क्योंकि अल्लाह को याद नहीं कर रहे आप सच्चे दिल से। चलो नमाज पढ़ते हैं फिर दुआ करते हैं हरी आंखों वाली के लिए। आहा الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا